आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जितने लोग भी सुबह सुबह ये वीडियो देख रहे हैं और जय हिंद। और एक बात आज थोड़ा अलग करते हैं, आज आप सभी से सवाल नहीं पूछेंगे, आज आप सभी कमेंट करना ना कि देशभक्ति का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है। और आज कवर करेंगे हम सभी 15 अगस्त के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर सुबह में 8 बजे। और आज का पहला क्वेश्चन ही हमारा ना देश से जुड़ा हुआ है। आप सभी को बताना है इस बार का 2021 का जो विषय रखा गया है इंडिपेंडेंस डे का, वो क्या रखा गया है, एकदम याद होना चाहिए सभी भारतीयों को। तो इस बार का विषय क्या रखा गया है, राष्ट्र पहले हमेशा पहले, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, एकदम याद होना चाहिए। और इसका सारा पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम के ऊपर बिल्कुल फ्री मिल जाता है। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है, आपका सक्सेस की 98। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक बोला है ना, जितने भी भारतवर्ष में खिलाड़ी हैं जो एथलीट्स है उनको ना पैरा ओलंपिक समिति के साथ समझौता किया ताकि उनको समर्थन किया जा सके। अभी जितने लोग भी टोक्यो में ओलंपिक जीते हैं ना सभी के ऊपर पैसा का बारिश हो रहा है, तो मेहनत है, मेहनत रंग लाया है। लेकिन आज भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं ना जो गरीबी रेखा के बहुत नीचे हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए इंडियन बैंक आगे आया है। कौन सा बैंक, इंडियन बैंक। क्वेश्चन क्लियर, इंडियन बैंक के बारे में कुछ सब पता है ना, तो बार अच्छे से देखो इंडियन बैंक का डायरेक्टर कौन है, पद्माजू चुंद्रू, एकदम याद रखिएगा, हेडक्वार्टर मुख्यालय चेन्नई में। इस बैंक का टैगलाइन, हर एक बैंक का ना अलग अलग टैगलाइन होता है, तो आप मेरे साथ साथ पीछे बोलिए योर ओन बैंक, ये टैगलाइन है इंडियन बैंक का। और 1907 में ना इस बैंक का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक दो दिन पहले मोदी जी के द्वारा कितना पैसा ट्रांसफर किया गया है किसानों के खाता में। आप बोल सकते हो इस बार ना कितना पैसा आवंटित किया गया था प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के लिए, तो 19,500 करोड़। आप सभी को पता ना स्कीम क्या है, किसान के खाते में साल में 3 बार 2,000 रुपए कर जाएगा। अगर एग्जाम में पूछे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये कब लॉन्च किया गया था, तो एकदम याद रखिएगा 24 फरवरी 2019 को इसका अनाउंसमेंट किया गया था। एग्जाम में पूछेगा तो एकदम बताइएगा। और हमारे देश का कृषि मंत्रालय किसके पास है, तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो एक बार, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2021, हर साल ना यह जो संस्था है ना स्काई ट्रैक, हर साल हवाई के एरोप्लेन के मामले में ना हर साल अवार्ड देती है, कौन सा हवाई अड्डा सबसे साफ है, कौन सा हवाई अड्डा अच्छा है, कौन सा हवाई अड्डा पर्यावरण को ख्याल रख रहा है, कौन सा हवाई अड्डा कस्टमर को खुश करने में तेज है, तो ये सब मामले में हर साल ना स्काई ट्रैक्स के द्वारा अवार्ड दिया जाता है, हर साल अवार्ड दिया जाता है पुरस्कार। तो आपको बताना है भारत का वो कौन सा हवाई अड्डा है ना जो भारत के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया इस अवार्ड में, तो एकदम याद रखिएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नई दिल्ली में पड़ता है, एकदम याद रखिएगा क्वेश्चन आप सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ना प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय रग्बी ग्राउंड का निर्माण करेगा। अब रग्बी क्या होता है, आप कभी कभी देखिएगा ना एक बॉल लेकर सब दौड़ते हैं बहुत लोग पीछे पीछे, वो रग्बी ग्राउंड का ना निर्माण करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो आप देख पा रहे होंगे मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इस स्टेडियम का उद्घाटन कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आदिपुरम किस राज्य में मनाया जाता है। देखो त्योहार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और साउथ वाला त्योहार तो भाई पूछ ही रहा है, आप देख ही पा रहे होंगे। तो आदिपुरम जो त्योहार है ना
यह आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, और ये किस भगवान को समर्पित है? तो माँ लक्ष्मी को। किसको? माँ लक्ष्मी को। और ये त्योहार मनाया जाता है आपका कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है। एमके स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल है, संजीव बनर्जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। 38 लोकसभा 18 राज्यसभा सीट है। भैया आप राज्य के बारे में डेली बताते हैं, इसलिए बताते हैं ना, आपको ये सब चीज ना यहीं पर देखते देखते ना आदत हो जाए, आपको बाद में ये नहीं कि याद करना है, ठीक है? तो उसके तरफ भी ध्यान देना है इसके साथ साथ, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, केंद्र सरकार ने किस राज्य को देश का पहला वाटर प्लस शहर का दर्जा दिया है? अब आपके दिमाग में आएगा वाटर प्लस क्या होता है, यह दर्जा किसी राज्य को क्यों दिया गया, किसी शहर को क्यों दिया गया है? तो पहले सुन लो ना, ये वाटर प्लस शहर जो घोषित किया गया, ये दर्जा ना इंदौर को दिया गया है। अब ये है क्या भैया वाटर प्लस? देखो जितना भी आपके ना शहर में डैम बांध है, ठीक है, नदी है, नाले है, उसको साफ करने के मामले में उसको साफ किया जाए, जितना भी गंगा जी है उसमें गंदगी ना फैले, ये सबको अच्छे से मेंटेन करने के मामले में ना एक नंबर पर राज्य कौन सा रहा है? इंदौर। इसीलिए ना इसको वाटर प्लस शहर का दर्जा दिया गया है। इंदौर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री, मंगू भाई पटेल राज्यपाल, मोहम्मद रफीक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, 29 लोकसभा 11 राज्यसभा सीट। और आप सभी को पता होगा सबसे क्लीनेस्ट, सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है, तो उसमें भी इंदौर एक नंबर पर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, जेके टायर, आपने देखा होगा जेके टायर का बहुत सारा ब्रांड आता है, ब्रांड बोल रहा हूं चक्का, जैसे एमआरएफ का चक्का आता है ना, उसी तरह जेके टायर का भी चक्का आता है। तो इस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, ताकि इस कंपनी का ना जो भी प्रोडक्ट है उसका प्रचार किया जा सके, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सभी कोई जानते होंगे नारायण कार्तिकेन को, ये गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, भारत ने ना किस देश के साथ मौसम के पुनर्निर्माण में सुधार के लिए मॉनसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौता किया है? देखो आज आप लोग कुछ दिन से खबर सुन रहे होंगे कि आजकल ना जो अनुमान लगाया जा रहा है वेदर को लेकर, मौसम को लेकर ना, अधिकांश गलत आ रहा है। इसमें सुधार के लिए, ताकि डाटा गलत ना आए, अभी उत्तर पूर्वी भारत में ना बहुत सारा अनुमान लगाया गया कि बारिश होगा, हाई होगा, लेकिन हो ही नहीं रहा था, तो बहुत चर्चा का विषय था कि ना जो साइंटिस्ट है मौसम वैज्ञानिक उनका भी अनुमान गलत लग रहा है। तो इस चीज को बेहतर बनाने के लिए ना भारत जो है वो अमेरिका के साथ डील साइन किया है, तो भारत और अमेरिका मिलकर इसके ऊपर एक साथ काम करेंगे ताकि डाटा वगैरह गलत ना आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना ने ना सिंगापुर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग और परीक्षण सैन्य अभ्यास का नेतृत्व करेगी? तो आपका अमेरिका। और एक बात याद रखिएगा, इस अभ्यास में ना 20 से ज्यादा देश जो है वो अभ्यास करेंगे, और इसको लीड कौन करेगा? तो अमेरिका। ये अभ्यास कहां पर हो रहा है? सिंगापुर में। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। क्लास अच्छा लगा होगा तो जितने भी भाई बहन देख रहे हैं ना सभी एक एक लाइक कम से कम कर दीजिएगा। और एक बात, आज का दिन आपका बहुत अच्छा हो बाबू, वंदे मातरम। और कोई गाना मेरे दिल के बहुत करीब है ना, राष्ट्र में, देशभक्ति में, तो हम जिएंगे मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी दो। गुड मॉर्निंग, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी ख्याल, और देश का भी। जय हिंद।